ओम साई राम। प्रवीण जी के साथ जो हमारी चर्चा अधूरी रह गई थी पिछली बार, आज उसे हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम पर। प्रवीण जी, आपने एक बार, याद है एक किस्सा हमारा हुआ था हाँ, काफी पहले, आपने मैंने कहा था बताया ट्विन था फ्लेम पर, तो बताइए ट्विन फ्लेम पर कुछ ट्विन बताइए। फ्लेम का किस्सा ऐसे है ना कि मतलब मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। ये जब किस्सा शुरू हुआ उस वक्त मैं ऑलरेडी मैरिड था, मेरी एक डॉटर थी, अपना खुद का बनाया हुआ मंदिर था, लोग समाज में अपने को एक भगत की तरह और एक शरीफ आदमी एकदम उसकी तरह लोग देखते सब। ठीक है, खाना पीना वो बात अलग है, मगर जैसे बोलते हैं ना जिसको सभ्य कैरेक्टर आदमी की तरह, कैरेक्टर हाँ, वाइज स्ट्रॉन्ग। कैरेक्टर वाइज एकदम मतलब सभ्य देखते थे सब। एक दिन क्या हुआ कि मेरे को कहीं जाना था तो मैं गाड़ी लेके जा रहा था, तो उतने में एक लड़की जो है ना वो ऐसा बिजी हुई थी, ऐसे हाथ दिखा रही थी ऐसे। तो मैंने कहा यार इसको छोड़ देते, भीज रही, बारिश जोर में चालू है, तो मैंने रुका दिया गाड़ी, तो बैठी गाड़ी में। तो मैंने कहा कहाँ जाना है, तो बोले वहां जाना है, मतलब रास्ते में ही था। मैंने कहा ठीक है चलो। तो थोड़ा देख 5 मिनट आगे तक गया, फिर बोलता है नहीं नहीं यार, बोले मैं अभी नहीं जाऊंगी, सब कपड़े मेरे गीले हो गए, अब क्या करूंगी काम पे जाके, वापस घर जाऊंगी। बोले मैंने कहा कहाँ है तुम्हारा घर, तो बोले जहां से मैं बैठी ना वहीं है। तो मैंने कहा चल छोड़ देता हूँ वापस यार, ये करता है अभी, फिर बारिश जोर में चालू था, मैंने कहा चलो छोड़ देता हूँ। तो इतने में ऐसे गाड़ी घुमा के आया छोड़ते, तो बीच में 2-5 मिनट ऐसी बात होती है ना, क्या काम करते हो कहाँ करते हो, ऐसे बात होती है। उसकी जबान जो बात कर रही थी ना थोड़ी सी तोतली थी, अले मेला ऐसा है ना, मेरे को इतना बजे पोतना पड़ता है, ये क्या मेलो, बारिश आ गई, ऐसे ऐसे बात हुई। मैंने कहा भाई तेरे को जाना ही है तो तू एक काम करना, मैं रुकता हूँ 5 मिनट, कपड़ा बदली करके आ जा, तेरे को छोड़ देता हूँ। अले तुम रुकोगे क्या, बोला हाँ रुकूंगा। अरे वो चल तो अभी चाय पी लो, चलो चाय पी लो मेरे घर में। अब मैंने कहा चल यार ये तो बड़े मतलब जिसको ऐसा बोलते हैं ना अचानक से ऐसा कुछ लगाव लगने लगता है, चलो। बोले मैं गया वहां पे तो उसकी मम्मी थी, उसकी मम्मी बोली क्या हो गया, अरे बोले मैं जल्दी जल्दी कपड़ा बदल के मुझे जाने का, सब गिल्ला हो गया, तो चाय बना के दे बोले अंकल को। तो चाय बना के दिए, 5-7 मिनट लगा होगा, तो पिए मैंने, फिर उसको बिठाया वापस, कम से कम समझो ना एक तो 20-25 मिनट का रास्ता था। वो जो बातें करती थी ना तो मेरे को एकदम एक जैसा बोलते हैं ना कि किसी की बातें पसंद लगती है एकदम, अच्छा हाँ हाँ बोल अपनी रही हाँ करके हाँ ऐसा। तो मेरे को बोलती है बोले बोले अंकल तुम लोन जाते हो गए यहाँ से, बोला हाँ जाता हूँ लोन। तो बोले कभी कभी बालिश जगह मेरे को भी थोल देना, बालिश होगा ना तो मेरे को हाँ थोल देना, बोले ठीक है थोल देगा तेरे को, ऐसा हाँ ऐसा बोलती थी, थोड़ा थोड़ा हाँ अटक अटक के मतलब तोतला जैसा। अच्छा उसको छोड़ दिया उस दिन। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे दिमाग में ना वही घूम रहा है, यानी ये जिसको बोलते हैं ना कि कहीं पे ऐसा पिन अटक जाता है, ये घूम रहा है, ऐसा ऐसा क्यों घूम रहा है। अब उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं दिया, फिर 2-4 दिन में बाद में बुलबुला गया। फिर एक दिन पता नहीं उसी टाइम पे मैं घर से निकल रहा था, तो मैंने कहा चलो यार देखता हूँ आज मिलती गई छोकरी, बराबर मिली, मैंने चल तेरे को छोड़ देता हूँ, बैठ गई। अरे ये ऐसे 2-3 टाइम हो गया किस्सा। मैंने कहा क्या क्या कनेक्टिविटी मालूम नहीं पड़ रहा है, कनेक्टिविटी मालूम नहीं पड़ रहा है, हालांकि मेरे और उसके उम्र में 20 साल का फर्क। अच्छा। ऐसा नहीं है कि चलो मेरे एज का रहेगा तो कोई और नजर से मेरे को, ऐसा नहीं है, मतलब मेरे को ऐसा लगता था जैसे ये मतलब मेरी बेटी जैसी, ऐसी ऐसा दिमाग में लगने का, ऐसे बातें बातें चलने का कभी भी है। फिर एक दिन क्या हुआ कि नेक्स्ट डे ना, नेक्स्ट डे मेरे को जाना था महाड़, महाड़ करके एक जगह है हमारे महाराष्ट्र में, वो यहाँ से कम समझो ना कि हमारे यहाँ से कम 2-2.5 घंटे का रास्ता है। तो मैं किसी से फोन पे बात कर रहा था, मैंने कहा कल का महाड़ का फिक्स रखो, ऐसा 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 ऐसा। तो फिर बोला तो मेरे को बोलती है अरे बोले तुम महाड़ जा रहे क्या कल, बोला हाँ, बोले मैं भी चलूँ घूमने को, चलो चलना है चल। तो बैठ गई साथ में दूसरे दिन महाड़ जाने के लिए। फिर रास्ते में से दूसरे 2 जन जो साथ में आने वाली थी वो भी लेडी थी, दोनों उनका कुछ एक बैंक का सेटलमेंट था प्रॉपर्टी का, तो वो दोनों को भी ले लिया मैंने रास्ते में से, हम गए सब। हुआ ऐसे ना कि महाड़ गए, सारा बैंकों का काम पटाया, और वो महाड़ पहुंचने से पहले
माड़ पोतने से पहले एक जगह पे मैं गाड़ी रुकाया और चाय पानी के लिए, मतलब ऐसे चाय वाय पियेंगे करके, तो ये ना ऐसा करने लगी, अरे मारो क्या हो गया तेरे को, ऐसा कर रही, बोलो क्या हो गया इसको यार। फिर मैं उनको बोला, बोला बैठो इसको किधर डॉक्टर को दिखाते यार। थोड़ा सा आधा किलोमीटर आगे गया ना, नॉर्मल हो गया। मैं बोला क्या हो गया था तेरे को, बोले पता नहीं मेरे को सांस लेने में दिक्कत नहीं, उसको ऐसा दिल में ना ऐसा धड़कन धड़ होने लगा। बोले मेरा कलेजा बाहर आ रहा था, बोले। अरे मैंने कहा तेरे को तकलीफ है क्या पहले से, मैं तो चलो अच्छा एक हिसाब से कि उसकी माँ मेरे को जानती थी ये भाई ये मेरे साथ है करके। मैं बोला इसके इसको कोई बीमारी है क्या, कुछ कुछ नहीं। फिर आगे दूसरे होटल में बैठ के हमने चाय वाय सब पिया, वहां से आ गए। मतलब मैं समझ में नहीं आया मेरे इसको क्या हो गया था। तो मैंने उसको दो तीन दिन पूछा, मैंने पहला कभी तेरे को ऐसा हुआ है क्या, इस तरीके का कभी हुआ है क्या? बोले नहीं अंकल कभी नहीं हुआ, अब भी हुआ ऐसा। और मैं एक सोचा अगर हुआ भी तो ये आधा किलोमीटर आगे जाने के बाद कैसे बंद हो गया। उतना एरिया में हुआ उसको, ऐसा ऐसा करने जल्दी चलो बोलता गाड़ी यहाँ से। ये किस्सा हो गया, मैं आ गया वापस। तो घर पे आया मैं, तो घर में आने के बाद में मेरे घर में क्या हॉल में बाबा का फोटो लगा, जो मैं अभी ऑफिस का देखा ना लास्ट वीडियो में, तो मेरे घर में हॉल में लगे था। तो मैं वहां से आया तो बाबा हंस रहे, तो मैंने कहा क्या हो गया बाबा हंस रहे? बोले कहाँ गया था? मैंने कहा महार गया था। बोले कौन था तेरे साथ? अरे मैंने कहा वो हजारे मैडम था, उनका वो था प्लॉट का था। बोले और कौन था? अरे मैंने कहा वो ऐसा थी, बोले लड़की तो मुमरा वाली एक, उसको ले गया था। हंसने लगे, मैंने कहा बाबा क्या हंस रहे? बोले कुछ याद आ रहा है तेरे को? मेरे को ऐसा बोलते कुछ याद आ रहा है? मैंने कहा मेरे को क्या याद आ रहा है? बोले तूने जनाजा देखा था, याद है क्या तेरे को? मैंने 10-15 साल पहले एक बार मैं रात को सोया था ना, तो मैंने एक जनाजा देखा था। अच्छा। जो मरा हुआ आदमी का ले जाते हैं ना, हाँ। तो वो जनाजा इस्लामिक जनाजा था, वो ले जा रहे थे, उसके साथ में 4-6 आदमी थे। तो मैंने उस टाइम बाबा को पूछा था कि मैंने कहा किसका जनाजा है, ये जनाजा किसका है? तो उस टाइम बाबा ने बोले थे तेरा जनाजा है। तो मैंने कहा मेरा जनाजा, मैं मरा कैसे? उस टाइम उन्होंने बोले एक लड़की की वजह से। अच्छा। तो मैंने कहा कौन लड़की, कौन सी? बोले वक्त आने पे बताऊंगा। यार ये अजब हो गया, वो मेरे को याद दिला दिए बाबा ने। मैंने कहा हाँ मेरे को याद है, बोले मैं जनाजा देखा था मेरा, एक लड़की की वजह से मर गया था, यही लड़की थी जिसकी वजह से तू मरा था। अच्छा। मैंने कहा बाबा फिर अभी क्यों आए ये वापस? तो बोले परवीन तू, मैं बोला ये आ गया और मेरे को पता नहीं मेरा दिलो दिमाग है ना उस तरफ क्यों चल रहा है। हाँ। वो दूसरे सेंस में नहीं, मगर ऐसा एक जिसको बोलते हैं ना कनेक्टिविटी हो गया। हाँ। बोला बाबा ये क्या, इसका मतलब क्या है? बोले कुछ नहीं, चलने दे, वक्त आने भी तेरे को पता चलेगा। अब मेरे दिमाग में दो चीज घूमे, एक महाड़ और एक ये लड़की। अब मैंने कहा ये लड़की ने क्यों मारा होगा मेरे को, कैसे मरा मैं, ये दिमाग में घूमे, कुछ समझ के बाहर जावे सब चीज। मैंने कहा यार अभी एक काम करता हूँ ना, एक दिन इसको फिर ले जाता हूँ महाड़। अच्छा। कुछ मालूम तो पड़े उसको क्या हो रहा था। मैंने कहा शायद मेरे को नहीं मालूम पड़ रहा, इसको तो मालूम पड़े। तो मैंने एक दिन फिर बोला उसको चलने का महाड़ घूमने को, बोले चलो। और बरबर वही जगह पे जाऊं तो इसको सांस चढ़ता है, ऐसा चढ़ता है। फिर वहां से निकला, फिर मैंने कहा यार एक तो मेरी समझ में आ गया कि ये मेरा गया जन्म का गांव यही है माड़, क्योंकि यहीं पे जनाजा देखा था मैंने। वैसे एक पानी के ब्रिज के ऊपर से जा रहा था जनाजा, फिर वहां ले गया। तो एक जगह मैं गांव की तरफ ले गया, एक जगह गांव की तरफ ले गया, तो अचानक से ट्रैफिक थी, आगे दो गाड़ियां रुकी थी, मेरी गाड़ी पीछे रुकी थी। इसने जोर जोर में रोना चालू किया, जोर जोर में रोना 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 रोना। बोले क्या हो गया, ये रो क्यों रहा है इतना? अब मैंने कहा यार ये पागल वागल है क्या साला कहीं? तो फिर वहां से गाड़ी जब ट्रैफिक खुल गया आगे चला गया, तो कुछ नहीं कुछ समझ में नहीं आया उस दिन। फिर वापस आ गया तो मैंने कहा यार बाबा ये सब है ना ये पहली है,
ये पहले मेरे समझ में नहीं आती, मैंने या तो आप बताओ या फिर मैं इसको इधर ही बंद ही कर दूं। तो बोले इतना आसानी से बंद होने वाला चीज नहीं है। मैंने कहा फिर बताओ ना मेरे को। फिर उन्होंने बताया बाबा ने, तो पूरा मेरे को फ्लैशबैक दिखा लास्ट बर्थ का कि मैं उस टाइम में इस्लामिक था और मैं वो लड़की को मैं पढ़ाता था मदरसे में, मेरी गरीबी बहुत ज्यादा थी, ये बड़े घर की थी, तो ये ना ये एक मतलब लगाव में है ना, वो मेरे को खाना वाना ला के खिलाने की, घर से है ना खुद ना कुछ खाना ले आने की जब आएगी, तो फिर जब खत्म होता था मदरसा तो उसके बाद में ऐसे डोंगर के नीचे एक नदी थी माड़ में, तो नदी के उधर बैठ के हम लोग वो खाना खाने का, और कुछ नहीं, कोई दूसरा इंटेंशन में नहीं था वो ऐसा खाना खाने का। तो एक दिन हम लोग खाना खा रहे थे ना, कुछ गांव वालों ने ऊपर से देखा, देखा तो वो नीचे दौड़ गया, नीचे दौड़ गया, इसको इसको क्या पूछे, बोले तू कैसे आई यहाँ पे, तो उसने क्या बोल दिया इनके साथ आई, तो उन्होंने मेरे को मारना चालू कर दिया। हाँ। और वो इतने मारे ना कि उसमें मेरी डेथ हो गई। अच्छा। डेथ हो गई मेरी। तो इन्होंने जनाजा निकाले, हुआ क्या कि उनके हिसाब से मैं मर गया, उनके हिसाब से मैं मर गया, मगर मैं मरा नहीं था। अच्छा। सांस चल रही थी मेरी, तो जब वो दफनाने लगे ना, अच्छा उनका क्या बोलना था, क्या बोले इसने ऐसा कर्म किया ना, तो उसको बोले इधर नहीं दफनाने का, कब्रस्तान में नहीं दफनाने का। अच्छा। तो वो नदी के उस पार ले गए एक ब्रिज के, वहां पे ले जाकर के वो दफनाए। तो जब दफना रहे थे ना, तभी वो मतलब वो लोग ऐसे समझ रहे थे कि ये मतलब बहुत मतलब ये आदमी है मतलब खराब। हाँ। तो वो ऐसे ऐसे पैर से मट्टी डाल रहे थे। ओहो। तो मेरे को दिख रहा था, मगर उस टाइम पे मैं ना मैं वो लड़की का पैर ढूंढ रहा था कि कैसे भी करके एक बार उसका पैर दिख जाए। अच्छा उसका खासियत क्या था, वो थी लड़की मगर उसका पैर लड़के जैसा था, तो मैं उसका पैर पहचानता था। अच्छा उस जमाने में उसका नाम था साइना, उसका नाम साइना था, तो मैं साइना साइना ऐसा मेरे दिल में और साइना ऐसा मैं पैर ढूंढ रहा था मगर मेरे को दिख नहीं रहा था। तो दफन कर दिए जिंदा। हाँ मतलब दफन हो गया, बाद में तो मट्टी आ गई तो दफन हो गया, मगर मेरे अंदर है ना वो साइना 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 चालू था। और वो सेम पीरियड में, वही सेम पीरियड में ये अभी जो मेरा बॉडी है ना, ये 6 महीने का था। देखो ये एक बहुत बड़ा जिमिक हो गया। 6 महीने का था, मेरे को फिट आती थी, ऐसे फिट आती है ना, फिट आती थी, तो एक बार फिट आते मर गया। अच्छा। हाँ वो डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट बना दिया, बोले ये छोकरा मर गया तुम्हारा। अच्छा। सर्टिफिकेट बना के वो मेरे मतलब घर वाले को दे दिया, तो मेरे पिताजी ने सब भाइयों को बोला, बोले तुम सब सबको बुलाओ, मर गया तो क्या करेंगे। तो मेरी माँ मेरे को ये कहानी बता रही थी, मेरी माँ ने मेरे को कहानी बताया था कि बोले प्रवीण तेरे को ऐसा पिताजी की गोद में था और मैं बाजू में बैठी थी, मेरे हाथ सर पे था, इधर इतना गर्म था, ये इतना सा गर्म था ना, तो मेरी माँ क्या बोली, बोले नहीं ये जिंदा है लड़का, ये मरा नहीं है, बोले तो मरा नहीं है, तो भी पिताजी को ऐसा लगा इसको दफन कर देगा तो ये उधर जा जाके बैठेगा। तो फिर वो दूसरे हॉस्पिटल में ले गए जो कम से कम 20-25 किलोमीटर लंबा था, साइन हॉस्पिटल करके, ये मुलुंड हॉस्पिटल में मेरे को डिक्लेयर किए थे मर गया करके, साइन हॉस्पिटल ले गए। साइन हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग ने बोला मरा हुआ है, दो डॉक्टर ने बोला मरा हुआ है, ये बच्चा जिंदा नहीं है। हाँ। उधर एक नर्स थी, हाँ। एक जो अमेरिका से आई थी पढ़ाई करके, उसने क्या बोला, बोले मैंने एक किताब में पढ़ा हूं ऐसा कभी कभी, मतलब मेडिकल में नहीं ऐसी, तो अगर आप बोलो तो मैं एक्सपेरिमेंट करूँ क्या। तो मेरी माँ बोली हाँ करो 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 करो, बोले करो तुमको तुम बराबर है, बोले करो। तो उन्होंने यहां से पाइप लगाया ये पीछे कमर के नीचे से। अच्छा। मेरी माँ बोल रही थी, और खटिया के नीचे बॉटल रखे थे। अच्छा। वो जैसे कांच की बॉटल आती ना, वो बोल रही थी, बोले उसमें टिप 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 करके पानी गिर रहा था। हाँ। कमर से कमर में से निकाल के, तो बोले धीरे धीरे ना ऐसा गर्म होने लगा बॉडी। अच्छा। ऐसे गर्म होते होते 4-5 घंटे में ना यहाँ तक गर्म हुआ था, तब जाके हार्ट चालू हुआ। अच्छा। टोटल बॉडी गर्म होने में 9 घंटा लगे थे, और हमारे सब रिश्तेदार इधर आ गए थे घर पे, उस टाइम टेलीफोन वेलीफोन था नहीं।
तो अब आपकी उम्र छह महीने की छोटा था एकदम, छोटा सा था। तो फिर वहां से उन्होंने पुलिस स्टेशन में बताया कि बोले वो भांडुप में बोलना है करके, क्योंकि साइन हॉस्पिटल ले गए थे, बोले भांडुप में बोलना है कि भाई जिंदा है लड़का। तब यहाँ पे मैसेज मिला जिंदा है करके, तो फिर मैं जिंदा होकर घर पे आ गया। मगर उस टाइम पे हुआ क्या, ये लड़का गुजर गया था, वो जो मेरी रूह थी ना वो उठा के इसमें डाल दिया गया, जो वहां पे दफन कर रहे थे ना, वो जो रूह थी मेरी, उस टाइम पे मैं साइना 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 बोल रहा था ना, तो वो साइना का शिव हो गया। अच्छा। तो ये बॉडी के जो पिताजी थे ना वो शिव भगत थे। अच्छा। तो उठा करके इस बॉडी में डाल दिए मेरे को वो टाइम पे। तो उधर तो वो डेड हो गया, मगर इधर जन्म हो गया, सोल जो है ना वो इधर ट्रांसफर हो गई। तो ये लड़का जन्म हो गया, एक्चुअली में ये लड़का डेथ हो गया था, ये सोल चेंज हो गया। तो ये जन्म जिंदा हो गया इधर। अच्छा, उधर क्या हुआ, वो दफना दिए। वो लड़की जो था ना वो पागल थी मेरे प्यार में, अलग प्यार, मतलब वो उस टाइप का नहीं, मतलब एक लगाव से, तो वो वहीं बैठे रहने की, उधर ही बैठने की, जिधर जिधर मेरे को दफनाया ना वहीं जाके बैठने की, दिन भर बैठे रहने की, जब तक कोई पकड़ के नहीं ले जावे, फिर आके वहीं बैठने की। ऐसे कम से कम 12-14 साल तक वो मतलब ऐसे वहीं बैठे रहने की वो। फिर उसके बाद में उनके घर वाले जो थे ना वो उसको, मतलब जो मैंने जो रिवर्स ब्लैक देखा, तो उसको ले गए थे बेंगलोर, फिर वहां पे उसकी डेथ हुई थी बेंगलोर में। हाँ। अच्छा। फिर वहां पे उसने रीबर्थ लिया। ओके। बेंगलोर में। हाँ। मगर उसका हो गया था, ये जन्म में बैठ बैठ के ना ये दोनों पैर खराब हो गए थे। अच्छा। तो ये दूसरे जन्म में भी उसके दोनों पैर नहीं चलते थे। अच्छा। बचपन में दोनों पैर नहीं चलते थे, मगर उसका एक खासियत था, वो 6 साल की उम्र में ना हाफिज़े कुरान थी, पूरा कुरान उसको मुंह जबानी था, मतलब मायने के साथ, ये एक बहुत बड़ा ओहदा होता है कि भाई 6 साल की उम्र में अगर तुम हाफिज़े कुरान है, बहुत बड़ा ओहदा होता है। एक्चुअल में वो गया जन्म का फ्लैशबैक था उसके पास, क्योंकि गया जन्म में मेरे से सीखी थी उसने, वो सोल जो है ना इमीडिएट ट्रांसफर हुआ ना, तो वो उसके मेमोरी में था, नहीं तो 6 साल का बच्चा कैसे कुरान बोलेगा, पूरा कुरान मायने के साथ कैसे बोलेगा। ये तो मेरे को भी नहीं मालूम था ये चीज। ये जब अभी इसकी आगे की जो कहानी हुई ना, तो ये मेरे समझ में आ गया कि इसने, इसके वजह से मरा मैं, मगर इसने मेरे को मारा नहीं, इसके गलत चीज बोल देने से मैं मर गया। फिर मेरे को एक धुन चढ़ी कि मैंने कहा अपन अपना कबर ढूंढते, किधर है कबर ढूंढते, अब कबर कैसे ढूंढेंगे, कबर ढूंढेंगे कैसा। तो बाबा ने क्या बोला, बोले तेरे को कबर भी मिलेगा, मगर वो तेरे को मैं नहीं बताऊंगा, खुद ही पता चलेगा। नहीं, तेरे को इस्लामिक तंत्र से ही पता चलेगा। तो मैंने कहा बाबा फिर क्या करूं मैं, इस्लामिक तंत्र से पता चलेगा तो क्या करूं। तो बोले तू अल्लाह का जिक्र करो। फिर मैं ना घंटों तक लगे ना अल्लाह का जिक्र करने का, अंदर अल्लाह 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 ऐसा जिक्र करने का। एक स्टेज ऐसी आ गई ना, वो ज्यादा नहीं, महीना दिन के बाद एक स्टेज ऐसी आ गई ना, आज किसी को बोलने जाएंगे ना तो मेरे को बोलेगा ये तो बेवकूफ आदमी है, मेरे को मोहम्मद पैगंबर के साक्षात्कार हुए। और उन्होंने मेरे को बोले क्या, बोले तेरे को एक बख्शीश है, तो किसी भी कब्र पे खड़ा हो जाएगा ना और सलाम करेगा तो उसको सामने तेरे को सलाम करेगा, तो तेरे को पता चलेगा तेरी कब्र कौन सी है। फिर उस वक्त मेरे को उन्होंने मेरा गए जन्म का नाम बताया, अली अहमद करके मेरा नाम था उस जन्म में, अली अहमद करके। मैंने ठीक है, फिर मैं निकला कब्र ढूंढने, मैंने होगा तो माड़ में ही होगा, और तो कहीं होगा नहीं, माड़ में ही होगा। फिर ये जो बातें थी ना, ये बातें मैंने ऐशा को भी बताई, क्या मैंने कहा मेरी मजार ढूंढना यहीं पे कहीं है। तो हम बहुत जगह घूमे, जो भी मजार पे खड़ा हुए वो किसी और की है,
एक दिन क्या हुआ, एक मजार पे गए ना, तो वहां पे कोई बोर्ड नहीं था। तो मेरे को क्या बोली, अरे बोले तुमको तो क्या, बोले पुतलो, बोले पुतलो, पुतलो बोले उसको, किसकी मदाल है। मैंने कहा ठीक है, तो मैं सलाम किया, सामने से जवाब आया नाम का, तो मैंने उसको बोला मैंने ये इसकी मजार है। उतने में एक बुड्ढी आई वहां पे, तो इसने बुड्ढी को पूछा, इसने बुड्ढी को पूछा, अले अले चाची चाची, बोले ये मजाल किसका है। उसने वही नाम बोला जो मैंने बोला। अच्छा। जो मैंने नाम बोला वही उसने बोला। तो बोला अब तो ये खातरी हो गई कि जो मेरे को बख्शिश हुई है वो बराबर हुई है, कि मजार पे खड़ा रहूंगा तो जवाब देगा। ये तो कंफर्म हो गया। फिर उसमें दो चीज हुआ कि मैंने कहा अभी हम लोग एक जगह, तो जहां पे मेरे को मारे थे इन्होंने, तो वो जगह पे वो रो रही थी, जब गाड़ी गई तो रोने लगी, और जो दूसरी जगह थी जहां पे हम लोग बैठ के खाना खाते थे वहां लेके गए तो बड़ा खुश हो गई। उसके नेचर में फर्क आ रहा था। ये इसके ऊपर तो पूरा एक पिक्चर भी बन जाए, ऐसी कहानी है। नेचर में फर्क आ रहा था, ये ऐसी कहानी चलने लगी ना। फिर मेरी मजार भी मिली वहां पे, जो मैं आपको उस दिन नहीं बोल रहा था, उधर मजार है मेरी, अगर वहां अत्तर चढ़ाएंगे तो यहाँ से खुशबू आती है। अगर आप अत्तर की सीसी ले जाओ वहां पे चढ़ाएंगे तो यहाँ से खुशबू आती है उसकी। किसी की मन्नत पूरी होती है चढ़ाते आज भी, तो वो खुशबू आती है यहाँ पे। ये ऐसे किस्से हो गया सारा। अब ये सब किस्सा चल रहा था, ये कम से कम समझो ना एक 6-7 महीना हो गया ये सब किस्से को। अब ये चीज तो समझ में आ गई कि भाई क्या था क्या नहीं रिश्ता। अच्छा, तब तक दिलो दिमाग में ना कोई मतलब बैड वाइब्रेशन कहीं कुछ भी नहीं, कोई बैड वाइब्रेशन नहीं। एक दिन क्या हुआ कि अचानक से है ना, एक जगह पे मैं गाड़ी रुकाया ना, तो वहां माँ काली खड़ी थी, और मेरी जिंदगी में मैं पहली बार उनको देखा। अरे मैंने कहा माँ आप खड़े, मेरे बोले क्या क्या सोच रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं बोला ये ऐसा ऐसा है, सब मजार वजार ढूंढ रहा है। अरे बोले पागल, वो जन्म का जो बचा हुआ है ये जन्म में पूरा कर। मैंने कहा क्या मतलब। अरे बोले इससे शादी कर, ये गए जन्म का बचा हुआ है। अरे मैंने कहा माँ क्या बात कर रहे आप, मैं मेरे से छोटी है 20 साल, मैं शादी करूं, और मेरा घर है, लड़की है, मेरा मंदिर है, हर चीज है, तुम ये क्या बोल रहे। फिर 2 दिन के बाद फिर 1 दिन खड़े हो गए, 3 बार खड़े हो गए ऐसे ही बोलते मेरे को। अरे मैं बोला माँ बोले मैं वो मेरे बेटी को मर गया, उसको कैसे करूं मैं, नहीं बोले कर। तो मैं बोला यार मैं कैसे करूँ, तो बोले तू क्या शिव से बढ़कर है क्या, ऐसा बोले मेरे को। मैंने कहा माँ ऐसा बात नहीं है, मगर मैं नहीं, बोले तेरे को करना ही पड़ेगा। अरे मैंने कहा माँ करना पड़ेगा, आप बोल रहे बराबर है ना, मेरे दिल में ऐसा कुछ है ना उसके दिल में ऐसा कुछ है, तो कैसे होगा। तो बोले उसके दिल में नहीं है, तेरे को कैसे मालूम, कभी तूने पूछा क्या। मैंने कहा नहीं। बोले गाड़ी बाजी में लगा, तो साथ में बैठी थी, गाड़ी बाजी में लगाया मैं, बोले पूछ। मैंने उसको इतना ही पूछा, मैंने कहा बोला ऐसा तेरे से एक बात पूछी। बोले क्या। बोले तेरे दिल में मेरे लिए कौन सी फीलिंग आती है, तेरे दिल में मेरे लिए कौन सी फीलिंग आती है, कि भाई एक अंकल या पिता की फीलिंग आती है या कोई और फीलिंग आती है। अरे लगी रोने, बोले तुमने पूछ क्यों लिया ये बात। अच्छा। मैंने कहा क्यों क्या हुआ। बोले मैं कभी तुम्हारे को अंकल के या पिताजी के रूप में देख ही नहीं रही हूँ, मेरे को तो तुम मेरा मतलब प्रेमी ही दिख रहा है। अच्छा। वो रोने लगी, बोले तुम नहीं पूछते थे अच्छा था मेरे को, मतलब ये ऐसा जो एक क्रिएट हो गया ना माहौल। मैंने कहा यार ये अभी और लफड़ा हो गया, अभी तो लफड़ा हो गया, अभी तो मैं चाहूं नहीं चाहूं तो भी करना ही है, चाहूं नहीं चाहूं तो भी करना है। मैंने कहा यार ये सब मैं जो देख रहा हूं ना, मतलब इसकी परीक्षा होनी चाहिए, हो सकता है ये भ्रम होगा, हो सकता है ये भ्रम भी हो सकता है ना, ऐसा नहीं है क्या सब चीज सच होगा। तो मैंने कहा इसकी परीक्षा कैसे करेंगे। अच्छा हाँ, इसके बीच में ऐसा हो गया था ना कि जब मैं इस्लाम में प्रे करने लगा ना, तो मैं रमजान में रोजा रखने लगा, क्योंकि मेरे को जब बख्शिश होने लगी तो मैं रमजान में रोजा रखने लगा। तो मेरे को एक बार रोजा रखा था मैंने, तो इसने आम का लस्सी पिया था,
तो मेरे को डकार आने लगा आम का। हाँ। तो मैंने इसको फोन किया, अरे मैंने कहा तूने क्या पिया? तो कुछ नहीं, बोले अभी आम का लत्ती पिया। अरे मतलब तू मत पी, इधर मेरे को डकार आता है। ये उस टाइम तक मेरे को ये मालूम पड़ गया था कि ये मेरा पसली का जोड़ा है, क्योंकि अच्छा ये दिन भर साथ में रहे ना, बराबर है, ये खाते रहे ना, मेरे को भूख ही नहीं लगता है। अब साथ में रहे दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहे तो मेरे को भूख ही नहीं लगता है। ये ऐसे किससे हो गए थे। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी इसका आखिरी परीक्षा लेगा क्या, इनके घर वाले को मैंने बोला। अच्छा उनके घर वाले सब एग्री थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो लोग इस चीज को मानते थे पसली के जोड़े को। मैंने कहा देखो मैं सब मेरे को दिख रहा है समझ रहा हूँ, मगर मैं एक परीक्षा करेगा लास्ट। बोले कैसा? मैंने कहा मैं 40 दिन का रोजा पकड़ेगा, मतलब आज पानी बंद करूंगा ना 40 दिन के बाद पीऊंगा, अगर मैं जिंदा रह गया तो मैं इससे निकाह करूंगा। बोले ठीक है, ऐसी परीक्षा तो होती है, परीक्षाएं तो होती है ना भाई, मैं भी तो कट्टर था एकदम। अच्छा उसके पहले ये 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 लेने के पहले मैं उसको क्या बोला, मैंने कहा देख तेरे को भी ऐसा लग रहा है और मेरा तो जीवन दुष्भर हो गया। मैंने कहा अभी कर लूंगा तो भी समाज के सामने क्या खड़ा रहूंगा। मैंने कहा एक काम करते ना, तू और मैं मर जाते खत्म करे, फिर अगले जन्म में कर लेंगे। तो बोले नहीं मेरे को मरना नहीं है, मेरे को जीना है बोले तेरे साथ। ये ऐसे किस्से में अटक गया। फिर मैंने पकड़ लिया रोजा 40 दिन का। जब रोजा पकड़ लिया तो मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा है, 3 दिन हुआ ना मेरे को प्यास लग रहा है ना मेरे को भूख लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मतलब 2.5 दिन हुआ, 3 दिन भी नहीं हुआ, 2.5 दिन हुआ। तो उसकी जो मौसी थी ना, वो मौसी का मेरे को फोन आया, तो मौसी का फोन आया मेरे को, बोले बोले तूने पकड़ तो लिया है मगर कम से कम एक बार आके देख तो सही इसकी हालत क्या है। जब उसके घर पे गया ना तो आप एक समझ लो ना कि लिटरली जो है ना वो मरने के बहुत नजदीक था, मरने के बहुत नजदीक, यानी जीभ सूख गया सब, जबकि वो सब खा रही पी रही है, पानी पी रही है, खाना भी खा रही है, मगर उसका पूरा ऐसा मतलब जिसको बोलते ना कि जैसा मरने के ऐसा लगता है अभी मर जाएगा 1-2 घंटे में। फिर मैंने बोला, मैंने कहा परीक्षा तो सही हो गई है कि ये है मेरा पसली का जोड़ा। फिर मैंने बोला ठीक है, मैं रोजा छोड़ दिया मैंने 3 दिन तक था, समझो 3 दिन होगा अंदाज। फिर रोजा खोल दिया, मैंने कहा ठीक है अभी निकाह करूंगा, निकाह करूंगा, सोच तो लिया मगर ये पूरा समाज का है, क्या है इसका, क्या कर सकते इसको, मैं जो होगा होगा। जब माँ बोल रही है करने के लिए, गुरु बोल रहे करने के लिए, अब तो करे बगैर छुटका नहीं है। फिर मैंने मेरे घर में भी बोला था, वाइफ को भी बोला था मैंने ऐसा ऐसा, बोले परवीन अभी मैं क्या बोल सकता है, तुम अभी जब भगवान बोल रहे तो क्या बोलूं मैं। अच्छा ऐसा भी नहीं था कि हम लोग का रिलेशन इतना नजदीक हो गया था ना कि वो मेरे ऑफिस में आती थी, मेरे को अच्छा लगता था, आती थी बैठती थी कभी कभी, मगर फिर उसके बाद में मैंने निकाह किया। देखो कहानी कैसी होती है ना, निकाह किया, निकाह करने के बाद जो निकाह किया उस दिन का भी एक कहानी है कि वो निकाह में ना कलमा पढ़ाते, पहला स्टार्टिंग किया मौलवी ने और एक पैराग्राफ बोला होगा, उसके बाद में जो मैं चालू किया ना बोलने का, सब अंदर से घर के अंदर से बाहर वाक्य आए, बोले ये कैसे बोल रहा है कलमा एकदम बुलंद आवाज में। वो जब कलमा खत्म हुआ ना तो वो मौलवी ने मेरा हाथ चुमा, मेरे को बोलता है मेरी जिंदगी में आज तक बोले ऐसा कलमा नहीं सुना मैं, इतना बुलंद आवाज, इतना क्लियर आवाज में। ये पिछले जन्म का था ना, पिछले जन्म का जो था वो इस जन्म में ये हो गया। अच्छा बहुत सी बार ऐसी होती थी कि कोई कोई भाषा है ना मैं कभी सुना नहीं ना मगर मैं समझता हूँ क्या बोल रही है। वो ऐसा करके तो फिर वो निकाह हो गया, और निकाह होने के बाद में करीब 3-4 महीने के बाद में उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ, इधर टंग में, टंग में कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो हमारे बॉम्बे का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है लीलावती करके, तो वहां पे मैं दिखाया, डॉक्टर का ये लिया, अपॉइंटमेंट लिया ऑपरेशन के लिए, बहुत बड़ा डॉक्टर था, उसका अपॉइंटमेंट लिया। हो गया क्या कि उस टाइम में हमको भी नहीं मालूम था कि ये प्रेग्नेंट हो गई है, मगर जब चेकअप हुआ था ना
तो तब देखा तो बोले ये तो प्रेग्नेंट है, मतलब ये मतलब दो महीने के प्रेगनेंसी में। फिर डॉक्टर लोग ने बोला कि बोले अगर ऑपरेशन करना है तो पहला एबॉर्शन करना पड़ेगा, हाँ। उसके बगैर नहीं होगा। ओहो। ये बोले मैं नहीं करूंगी, बोले अगर मैं एबॉर्शन करूंगी तो ऊपर जाके अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी, मुंह क्या दिखाऊंगी, नहीं करूंगी। मैं समझाया, उसकी माँ समझाया, मेरी बहन ने समझाया, मैं दो बार समझाया, फिर मेरे को क्या बोली मालूम है क्या, मेरे को बोली देखो अभी एक चीज और है, तुम मेरे शोहर हो, अगर तुम तीन बार बोलोगे ना तो मेरे को जहर भी पीना पड़ेगा, मैं ना नहीं बोल सकती, तो एक मेहरबानी करके मत बोलना तीसरी बार, क्योंकि फिर भी मैं अल्लाह के सामने खड़ा नहीं रहेगा, मतलब इतना कटर था वो धार्मिक में। मैंने कहा ठीक है जैसा तेरे को ठीक लगे, जो तेरे को ठीक लगे वो। नहीं गया, उसने ऑपरेशन नहीं करवाया। हाँ, उसके बाद में एक दिन क्या हो गया था ऐसा, वो बम्बई में ना फ्लड आया था, फ्लड पूरा बॉम्बे चार पांच दिन फ्लड में घुस गया था। अच्छा। उसके दो दिन के बाद एक दिन दोपहर को मैं निकले बाहर, बोले बॉम्बे जाने का था पिक्चर देखने के लिए, तो हम निकले ना तो उधर एक डीवाई पाटिल करके कॉलेज है उसके सामने पेट्रोल पंप है। अच्छा। तो वहां पेट्रोल भरने को गाड़ी रुकाया मैं, उतने में पूरा अंधेरा हो गया, एकदम अंधेरा हो गया। मैंने कहा देख अंधेरा हो गया, बारिश गिरेगी अपन अटक जाएगा, हंसने लगी ऐसा। उतने में बारिश चालू हुआ, फुल जोर बारिश चालू हुआ। मैंने कहा देख अभी नहीं जाने का, इतना बड़ा बारिश आ गया ना नहीं जाने का। बोले तुम डरते हो बारिश से? अरे मैं डरते हो नहीं, वो अटक जाएगा गाड़ी किधर। दरवाजा खोल के बाहर निकला, दरवाजा खोल के बाहर आया, ऐसा किया क्या किया भगवान जाने, बारिश बंद। अच्छा। जैसा नल बंद करता है ना ऐसा बारिश बंद, वो पेट्रोल भरने वाला है ना, हाँ। वो पेट्रोल पूरा भर गया, नीचे गिर रहा है, बाहर आ रहा है। मैं उठ के गया उसको, मतलब बंद कर इसको, तो वो बुड्ढा था, बोलता इसने क्या किया। अरे मैंने कहा वो पागल है, छोड़ तुम, कितना पैसा हुआ, उसको पैसा बोलने का भी ताकत नहीं। उतने में दूसरे को बुलाया, मैंने कहा कितना हो गया देख, पैसा दिया, वो एक ही बोलता बुड्ढा कैसा बंद किया, कैसा बंद किया बारिश। उसके दिमाग में एक ही चीज क्या, बारिश बंद कैसा किया। फिर हम दिन भर गए मुंबई, पिक्चर विक्चर देख के आए, रात को ये दोपहर का 2 बजे के बाद था, रात को 10 बजे घर पे आए ना, तो मैं बेडरूम में था, ऐसे हॉल दिखता था, तो ये हॉल की खिड़की के पास कर रहे, फिर भुखमारी तो बारिश चालू हुआ। अच्छा। पूरी रात बारिश चला। फिर 2 दिन के बाद में मैं उनके घर पे गया था, तो उनकी एक नानी थी अराउंड 100 ईयर्स के आसपास, वो नानी, मैंने नानी को बोला, मैंने कहा नानी बोले इसने बारिश बंद कर दिया था। नानी बोले इसने एक दिन बारिश बंद कर दिया था। अरे बोले ये बोले कुछ भी करेगी, ये बोले हाफिज से कुरान है, ये बारिश बंद करेगी या मुर्दे को जिंदा करेगी। तब मेरे को मालूम पड़ा क्या ये 6 साल की उम्र में हाफिज से कुरान, इसके पास बहुत शक्ति थी। मैं आपको एक दिन बताया ना, मेरे से ज्यादा शक्ति उसके पास था। और वो जब साथ में थी ना, उस वक्त उसने इस्लाम की इतनी बारीकाई मेरे को बताई ना कि जो आज बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है। जब इसके बाद की कहानी ऐसी है ना कि प्रेग्नेंट हो गई, अब ऑपरेशन भी कैंसिल कर दिए, मेरे को क्या बोली, बोले पर भी नहीं यार अपन शादी करने के बाद तो कहीं घूमने तो गई नहीं, कहीं चलो घूम के आते हैं। मैंने कहा चलो किधर चलना है, तो बोले ताजमहल देखने चलेंगे, ताजमहल। मैंने चलो, उसको है ना बहुत दर्द होता था, वो गोली खाती थी दर्द का। अब यकीन नहीं मानेंगे, बॉम्बे से फ्लाइट में बैठा, दिल्ली उतरा, उसका दर्द बंद। हाँ, आपने ये बात बताई थी एक बार पहले कभी, उसका दर्द बंद। हाँ। फिर यहां से मैं आगरा गया, आगरा पूरा घुमाया, ताजमहल वगैरह सब। वो अरबी बहुत अच्छा पढ़ती थी, वो ताजमहल में ऐसा जो लिखेला है ना वो पूरा अरबी में पढ़ती थी। अच्छा। उसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, जब अरबी पढ़ रही थी ना तब रिकॉर्डिंग है उसका। फिर यहाँ आए दिल्ली, फिर बॉम्बे गया, बॉम्बे फ्लाइट उतरा, इसका दर्द चालू। मैं 2 दिन बॉम्बे में था, मैंने कहा यार तेरे को ये 10 दिन तो कोई दर्द नहीं हो रहा था। हाँ बोले वहां नहीं होता है, बोले यहाँ होता है। मैंने कहा ये क्या बात है, मैंने कहा फिर एक काम करना अपन वही चल के रहते तो शायद तेरा ठीक हो जाए, मेरे दिमाग में यही था। फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ,
तो यहीं पे मेरे फ्रेंड का कोठी था, वो खाली पड़ा था, तो बोला यहीं रहता हूँ। और आपकी वो वाली फैमिली जो पहले वाली, वो बॉम्बे में ना। अच्छा, वो बॉम्बे में था, आप इधर आ गए थे। अच्छा, मैं इधर इसका ट्रीटमेंट के लिए इधर आ गया फिर। हाँ, इधर आ गया था। अच्छा, मगर एक था ना, एक मैं देखा, देखो क्या होता है वो टाइम, जैसे अगर दो वाइफ है, बराबर है ना, तो नॉर्मली सेकंड वाइफ जो है ना वो पहले वाइफ के फेवर में नहीं रहता है। मगर मेरे यहाँ पे उल्टा किस्सा था। अगर इसको कुछ लेने दो ना भाई, इसको सोना के दुकान में ले जाऊं लेने के लिए, पहला क्या बोलेगा, बोले दीदी के लिए लिया गया। अरे बोलो उसको लेके देगा, तू तो ले। अच्छा ठीक है सर, पसंद करेगा बाजू में रखेगा। अभी एक काम करो, पहले दीदी को लेके दो, फिर मैं इसको लेके जाऊंगी, मैं तो लेके नहीं जाऊंगी। अच्छा, यानी उसका सोच जो है ना उस तरीके का था, अच्छी थी। हाँ, अगर कपड़े भी लेने जाओ बोले पहले दीदी को लेके दो। यानी उसका जो था ना, जिसको बोलते ना कि स्वभाव में ना कहीं भी मतलब लालच टाइप का कोई चीज ही नहीं था। मतलब लालच टाइप का कोई, मतलब जिसको बोलते ना कि नॉर्मल जो इंसान में रहता ना, ऐसा कुछ था ही नहीं। और वो जो है ना बाद में दिल्ली शिफ्ट हो गए, तो सब उसका प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट वगैरह चालू हो गया, वो ये कैंसर बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। तो लड़का पेट में था 7 महीने का, वो एक किस्सा है, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। 7 महीने का था, इसका कैंसर चला गया यहाँ तक। डॉक्टर क्या बोले, बोले अभी अगर इसका कैंसर का ट्रीटमेंट चालू नहीं किया ना, तो ये बच्चा भी नहीं बचेगा, ये भी नहीं बचेगा, क्या करे फिर। तो उन्होंने सोनोग्राफी किया बच्चे का, तो वो देखा तो 1250 ग्राम का वजन था। वो बोले कम से कम 1750 ग्राम के ऊपर मांगता है, तो हम लोग बिफोर टाइम कर सकते हैं डिलीवरी। मैंने कहा ठीक है, अभी रुक, और मजबूरी है, रुकना ही पड़ेगा। रात को सोया था, बाबा आए, क्या बोले बोले भाई क्या बोले, परवीन तेरे लड़के का वजन बढ़ा दिया है 500 ग्राम, कल चेक करा ले। मैंने ठीक है। मैंने दूसरे दिन डॉक्टर को बोला, लेडी डॉक्टर थी ना, मैंने कहा डॉक्टर ऐसा ऐसा मेरा गुरु खाब में आया था, उन्होंने 500 ग्राम वजन बढ़ा दिया। वो बोलती है अरे परवीन ऐसा होता नहीं कभी, क्योंकि मैं सेवा करता था इसकी ना, वो लोग देखते थे ना, तो उनको मालूम था कि ये धार्मिक आदमी है करके, क्योंकि वो ऐसा उल्टी करती थी ना, ऐसे जग भर जाते थे। अब मेरे सिवा कौन उठाएगा, जब मैंने शादी किया तो मेरे को ही संभालना है। अब यकीन नहीं मानेंगे, मैं दिल्ली बॉम्बे है ना, दिल्ली बॉम्बे जो है ना, मैं आप समझ लो ना कि एवरी डे या ऑल्टरनेट डे जाता था बॉम्बे, वापस आता था। किसी को बॉम्बे मालूम नहीं मैं दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा। क्योंकि ऑफिस में तो बैठा हूँ ना, सुबह की फर्स्ट फ्लाइट पकड़ता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, रात को वापस आता हूँ। अच्छा, दिन में जो है हॉस्पिटल का कुछ भी रहेगा, तो इनके पिताजी जो थे वो उधर हाजिर रहते थे। अच्छा, इनका क्या होता, इनका मार्केट का काम था, सुबह 7 बजे के बाद फ्री हो जाते भाजी मार्केट से, तो बाद में वो इधर संभालते थे। अच्छा, मिसेस का उसका जमता भी था बातचीत। ये ऐसे जो टाइम निकला ना, मैंने डॉक्टर को फोन किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब बढ़ गया है। बोले ठीक है, तुम्हारे तसल्ली के लिए मैं सोनोग्राफी करती हूँ। सोनोग्राफी किया ना, पागल हो गया हो, बोले 1750 ग्राम। फिर बोले एक काम कर देना, 4 दिन रुक जाते, 2 किलो हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, अब डॉक्टर के आगे मैं क्या बोलूं। फिर दूसरे दिन रात को बाबा 2 बजे सपने में बोले, कल सुबह सूरज उगने के साथ अगर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो ना माँ बचेगी ना बच्चा बचेगा। मैंने रात को 3 बजे फोन किया मैडम को, डॉक्टर को। मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर सपने में आए थे, बोले कल सुबह सुबह नहीं होगा तो दोनों मर जाएंगे। उन्होंने एक दिन पहले चमत्कार देखा था। हाँ। वो दूसरा दिन बिचारी सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे सब अरेंजमेंट करके 6 बजे इनको ले गए ऑपरेशन थिएटर में। हाँ। ले गए, मैं बाहर बैठा था, 15 मिनट के बाद वो डॉक्टर बाहर आया और मेरे को यूं दिखता है, मेरे को लगा गया। 15 मिनट में कैसे बाहर आ गया, मैं बोला क्या हुआ, बोले मेरी जिंदगी में ऐसे डिलीवरी नहीं किया, बोले मैं ब्लेड लगाई हूँ हाथ डाल के बाहर आता है बच्चा, बच्चा खुद ही बाहर आ रहा है, उसके बदन पे है ना एक खून का छींटा नहीं, एक खून का छींटा नहीं बदन के ऊपर, ऐसा नहीं कि उसको नहलाना पड़ा, एकदम क्लीन। डॉक्टर बोलता है ना ऐसा तो मैं कभी देखा ही नहीं, बोलता आज तक ये हो गया डिलीवरी। तो बच्चे को है ना थोड़ा श्वास का तकलीफ था, ऐसा ऐसा ले रहा था, तो उसको दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया और वाइफ ही हॉस्पिटल में। और वो डॉक्टर ने क्या किया, सब न्यूज़पेपर वाले को बोल दिया कि मिराकल हुआ है करके,
वो सब आ गए, टाइम्स ऑफ इंडिया, वो लोकसत्ता, कौन कौन सब पेपर वाले, बोले क्या हुआ क्या हुआ। अरे मैंने कहा तुम जाओ यार, इधर मेरी औरत इधर एडमिट है, बच्चा उधर है। अच्छा, नर्सरी में बच्चा था, और 10 बजे के बाद इसको पिटाने लगा वाइफ को। वो डॉक्टर बोलता है ना, बोले परवीन भाई तुम्हारे गुरु को मानना पड़ेगा, बोले इसको फीट आने के बाद है ना कोई डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता, जिसको हर 15 मिनट में फीट आ रहा है उसका ऑपरेशन कौन करेगा, नहीं पॉसिबल है। वो डॉक्टर है ना, उसको मेरे बच्चे से इतना लगाव हो गया था ना कि वो यही पे था दिल्ली में लड़का, वो देखने आने का उसको, जो सुहेल है आपने, हाँ सुहेल, हाँ तो देखने आने का उसको। अच्छा, उसका एक और खासियत, जिसको जिधर एडमिट किया था ना जो हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल में कम से कम 30-40 बेड थे बच्चे लोग के, सब भरे ले। अच्छा, मेरे को क्या था, मैं अकेला आदमी, अब हैंडल करना है, तो मैं डॉक्टर को बोला, बोला डॉक्टर इसको सांस का तकलीफ है, बोले ये तो कोई नहीं, 8-10 दिन में ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, अरे वो 2 दिन में ठीक हो गया। वो जो गांधी जी, मैं बोलता हूँ सुनील गांधी, उसने मेरे को बोला था, बोले परवीन खाली इतने दिन तकलीफ है तेरे बेटे को, वो नक्षत्र देख के, बोले 2 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। ये ठीक हो गया, अब वो डॉक्टर बोलता इसको ले जाओ। अरे मैंने कहा डॉक्टर साहब रहने दो थोड़ा, उसकी माँ उधर है हॉस्पिटल में, इसको रहने दो। बोले ठीक है कोई बात नहीं, उसको तो क्या दिन का 10,000 रुपये मिल रहा था, 10,000 रुपये पेमेंट हो रहा था पर डे का। बोला रहने दो ना, बोला अच्छा पैसे का बाबा की दुआ से उस टाइम प्रॉब्लम नहीं था। वो एक दिन मेरे को बुलाया, मेरे को हाथ जोड़ रहा है, बोले तेरी हाथ जोड़ता हूँ, तेरे बेटे को ले जा। मैंने कहा क्यों? अरे बोले जो भी पेशेंट आता है मेरे को लगता है वो 15 दिन में ठीक होगा, वो 2 दिन में ठीक होता है, ऐसा लगता है 1 महीने में ठीक होगा, वो 8 दिन में ठीक होता है, और जो सीरियस आएगा ना, सीरियस बच्चा, उसको इसके बाजू में सुला दे तो उसका सीरियसनेस चला जाता है। ये कुदरती था। और उस टाइम का एक फोटो है मेरे लड़के का, जो एकदम छोटा, अभी किधर है मालूम, ढूंढना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा ना कि ये कोई जिम में से निकल के बॉडी गार्ड आया है, सब कट्स दिख रहे, मसल्स, सारे मसल्स, जैसे क्या वो रॉबर्ट कैसे, मतलब उस टाइप का, बहुत अजीब कहानी था। बाबा ने मसल्स बनाए, वो जो 500 ग्राम वजन बढ़ाया वो उसने क्या किया, बाबा ने जो अंदर का खून रहता ना पूरा, वो निचोड़ के उसका वजन बढ़ाए, तभी उसके पेट के अंदर खून नहीं था। डॉक्टर जो है ना, वो बाद में डॉक्टर का हमारा डिस्कस होने का ना, तो मैं बोला डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं है, वो जो 500 ग्राम बढ़ गया था तो ये सब खून अंदर गया, बोले यही होगा, नहीं तो बोले आज तक कोई डिलीवरी में अंदर खून नहीं रहेगा ऐसा तो हम देखा ही नहीं। एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन छोकरा ये, वो बोले ये जब आया तो दोनों हाथ खुले हंस रहा है, रोने का ऐसा हाथ खुले हंस रहा है, वो तो डॉक्टर बहुत इसको ये करता था, बोले ऐसा कैसा है ये, मिराकल किया उन्होंने। अच्छा, उसके बाद में मैं ट्रीटमेंट चालू किया, ये राजीव गांधी मेडिकल में ट्रीटमेंट चालू किया। उधर के भी जो डॉक्टर थे ना, वो बोलते थे यहाँ पे 4,000 पेशेंट है, मगर इसके सरी का नहीं है कोई, जब देखो हंसते रहता है, बोले इसको कोई फिकर ही नहीं है, अभी अभी मरने वाला है, कोई फिकर ही नहीं। हाँ, वाइफ का। अच्छा, उसको जीभ नहीं था, सब गल गया था पूरा, ये दांत है ना, दांत, ये दांत ऐसे हाथ से निकल के फेंक देती थी। ओहो। एक दिन वो डॉक्टर के इधर गया, हम लोग डेंटिस्ट के पास, 2-3 दांत हिल रहे थे निकालने के लिए, उधर गर्दी ज्यादा था, तो मेरे को बोलती है, बोलती नहीं ऐसे करती, अरे मैंने कहा रुकना निकालना है। ओहो। ऐसा पकड़ के 3 दांत निकाल दिया, चलो। और उसको दर्द नाम का, मतलब उसको डर नाम का चीज नहीं बदन में, उसको कितनी बार कीमो देवे ना तो बाल चले जावे, फिर 8 दिन के बाद फिर बाल आ जावे, वो डॉक्टर बोलता इसको बाल कैसे आ जाते, वो डॉक्टर आवे ना तो कभी भी उसके सामने आते कैसा है, बोले कभी उसको डॉक्टर बोलता है मैंने इतना पेशेंट में कभी इसको मैंने नर्वस देखा ही नहीं। उसको एक अंदर से खुशी था कि जो मिशन उसने लिया था कि भाई मैं बच्चे को जन्म दूंगी, वो मिशन पूरा हुआ, तो उसको डर मतलब खत्म हो गया, अंदर खुशी था, खुशी। हाँ। वो मरने के लिए भी खुशी तैयार था। आपने बताया था वो जो खून हाँ। की उल्टी वाला किस्सा। हाँ, तो अच्छा उसी टाइम पे वही हॉस्पिटल में मेरे को, तब तक मेरे को सिद्धि बाबा का प्राप्त हो गया था। मैं उसको बोला, मैंने कहा देख तेरे को मैं बचा लूंगा,
मगर तू मेरे को तलाक दे। तो फिर वो लिख के बता दी, बोले अभी मैं जी के क्या करूंगी, बोले एक काम करना अगर बचाने का तो ये बच्ची का जिंदगी बचा ले। ओ, इसके बाजू के बेड में ना एक 14 साल की लड़की थी, 15 साल की, उसको खून की उल्टी हो रही थी, तो फिर उसको पानी फूक के दे दिया, रुक गई। तो मतलब उसको ये हो गया, उसका जिंदगी बच गया उसका। अच्छा, और वो जो है ना मेरी जिंदगी में ना मेरे लाइफ में सिर्फ आप एक समझो ना कि 2.5 साल के लिए आई थी। अच्छा, हमारी मुलाकात से पकड़ के 2 साल, जो गया जन्म का था ना मेरा ट्विंस, वो 2 साल के लिए आया था मेरे लाइफ में, और ये लड़का देके गया। तो फिर आपके बच्चे को फिर किसने पाला? वो तो बहुत छोटा था ना, मैं घर पे उधर बॉम्बे ले गया ना। अच्छा, यहाँ 2 साल था, 2 साल तक तो इनकी मम्मी देख रही थी, फिर उधर उधर उसकी बहन थी, तो बहन इधर राखी बांधने को आवे, भाई ये तो राखी बांधने को आवे, बोले अब मैं इसको घर बम्बई ले जाऊंगी, तब फिर वो बम्बई आ गया। ये मतलब अच्छा, और सबसे बड़ी बात कि वो हर बार बोलने की, क्या मालूम है मेरे को बोलने की, कि बोले अगर तेरा तेरा कॉपी नहीं दिया ना कार्बन कॉपी तो मेरा नाम बदल देना, बोले। अच्छा, आपके बच्चे के लिए? हाँ, बोले लड़का तेरा कार्बन कॉपी नहीं, अच्छा वो पेट में था ना तभी उसका नाम रखा बाबा ने सुहेल। अच्छा, ऐसा नहीं क्या पैदा होने के बाद रखा? हाँ। पहले ही बोला, बोले तेरे लड़के का नाम सुहेल रखने का। अच्छा, उसमें भी परीक्षा हुई थी मेरी बहुत भयंकर, अदरवाइज मैं जिस दिन पैदा हुआ ना उसी दिन मैं बॉम्बे ले जा सकता था, मगर परीक्षा क्या हुई मालूम है, बाबा ने बोला ये इससे तेरे को लगाव नहीं रखने का। किससे? सुहेल से? हाँ। अच्छा, बोले इसका गुरु आएगा उसको दे देना। मैंने कहा ठीक है। बोला पहचान कैसे गुरु का? बोले वो खुद को पूरे अंगार में निलाएगा मगर जलेगा नहीं, तो उसको देना। तो मैं जब भी बॉम्बे जाने का ना, मैं इसकी माँ को और इनके पिताजी को बोल के गया था, अगर कोई भी आदमी आएगा पीछे से बाबा तो खुद को जलाएगा पूरा, तो उसको सुहेल को उसको दे देना। यानी उसी टाइम पे उन्होंने मोह भंग किया था। ये परीक्षा है सब, तो कोई नहीं आया, कोई आया नहीं, और ये परीक्षा है। अच्छा, उसके बाल है ना, बाल बचपन के, वो जटाधारी साधु मालूम कैसे रहते, ऐसे जटा थी सब लड़के को। अच्छा, लड़के का बाल अपने जैसा नहीं था, ऐसा जटा था, जटा वो ये आजू बाजू सब साधु ही बोलते थे, बोले साधु आयला, बोले पैदा हो गए ये जन्म लेके साधु आयला, ऐसा बोल रहे। अभी मैं उसका फोटो बताऊंगा मैं आपको ना। तो सुहेल के अंदर भी पावर है जैसे आपके अंदर या आपकी वाइफ के अंदर जैसे पावर थी, उसके अंदर कुछ पावर है ऐसी? पावर है उसके अंदर, मगर वो उजागर अभी नहीं होगा। अच्छा, वक्त आने पे ये सब जो सिद्धियां है ना, ये वक्त आने पे उजागर होती है। ओके, नहीं है ऐसा नहीं है, वो उसको भी दिखता है, उसको भी महसूस होता है चीज, मगर अभी क्या है, अभी उसको अभी ये एज में ना, अभी पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, अभी उसको अपन अगर ये समझाने जाएंगे ना, हाँ वो खुद का खुद कर देता है। कभी उसकी माँ का तबीयत खराब होगा ना, तो उसकी माँ बोलती है ना, बोले ये भी बोले भूखता है, तबीयत खराब है। एक दिन तो मेरे साथ कहीं जाना था, कुछ खरीदी करने, छोटा था ये 6 साल का होगा, तो मैं सोया था, मैंने कहा यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मेरे को सोने थे। तबीयत ठीक नहीं, बोले क्या हो रहा है? अरे मैंने कहा सर दुख रहा है मेरा, ऐसा ऐसा हो रहा है। अच्छा, यहाँ आया बाजू में, ऐसा किया, अच्छा अभी दुख रहा है क्या सर? अरे मैंने कहा साला ये नहीं दुख रहा है अभी तो। अरे मैंने कहा तू अभी से ही फूक रहा है क्या? तो मेरी वाइफ बोलती है, बोले ये बोले अभी भी कभी मेरी वाइफ को कभी ज्यादा दर्द होएगा ना, तो सुहेल को बोलता है अरे सुहेल थोड़ा इसको दवा देना दर्द हो रहा है। तो मेरी वाइफ बोलती है ना, बोले 2 मिनट हाथ लगाएगा ना तो अपना, उधर हॉस्पिटल में बच्चे ठीक होने लग गए। तो वो बोले यार तुम चुपर लड़का आया तो पेशेंट सब खाली, पूरा उसका पूरा वो हॉस्पिटल खाली हो गया था। ये सब कुदरत का है। देखो एक चीज है ना कि ये दुनिया में परीक्षा के बगैर कुछ नहीं मिलना। जिसको भी जो भी कुछ मिला है तो उसकी परीक्षाएं बहुत हुई है। अभी आप एक सोचो ना, बाबा ने परीक्षा लिया, बोले परवीन इससे मोह नहीं रखना, इस तरह को देना है, मेरे को एक दिन भी मोह नहीं आया। इवन मैं जब यहाँ से बॉम्बे भी ले गया ना, तो मैं बॉम्बे में भी मेरे वाइफ को बोला था, मैंने कहा कोई साधु आएगा ना जो खुद को पूरा जलाएगा उसको देना है इसको, मतलब ये अपना नहीं है, कोई आया नहीं। अच्छा मैं बोलता भी था इसका जटा नहीं काटना। एक दिन मैं नहीं था, कहीं बाहर गया था, इसको ऐसी खुजली आ रही थी, तो ये ले जा करके उसकी जटा टकलू बना दिया, साफ कर दी। किसने? वाइफ ने मेरे। अच्छा। अरे बोले तेरे जटा के चक्कर में बोले इसको खुजली आ रही। हाँ। इतनी लंबी लंबी जटा थी उसकी, इसकी फोटो है मैं बताऊंगा।
साधु के जैसे जटा, एकदम जटाधारी था। अच्छा, उसकी खासियत मालूम क्या है? जिस टाइम पे उसको दांत नहीं था, बराबर है, दांत नहीं है तो बच्चा क्या खाएगा, मेरे को बताओ? कुछ भी, दूध ही पीता है। अरे गाजर, पूरा का पूरा गाजर खा जावे बगैर दांत का। अरे इसके हमारे जो बाजू वाली थी ना, वो बुड्ढी लोग, वो बोले चलो चलो चलो, बोले कार्यक्रम देखेंगे, बोले तो वो गाजर ले आते थे, वो साफ करके इसको दे दिया, ये अपना इसके मुंह में लेके बगैर दांत का चलो चलो पूरा गाजर खाता था। ओ गॉड। और डर नाम का चीज नहीं है। रात को 2 बजे उठ के ना वैसे घर में घूमते रहे 1.5 साल का, और फ्रिज व्रिज खोल के ठंडा हवा आवे ना ऐसे बैठा रहे। फिर इसका पिताजी, इसका पिताजी उठा के लावे, अरे बोले वो फ्रिज खोल के बैठता, बोले ठंडा हवा लेने के लिए। फिर हम लोग लॉक मारते इसको। अच्छा, ये मतलब, अच्छा वो गुरुद्वारा में चले जावे रोज, इसके पिताजी को उसको टाइम मालूम है, बोले चलो गुरुद्वारा में। वो बचपन में इधर गुरुद्वारा में जाता था। उसका एक खासियत मालूम क्या है? मैं हिंदू जन्म से, उसकी माँ इस्लामिक, 2 साल तक जिसने पाला वो सिख, हिंदू सिख। अच्छा, आप सिख हो? अच्छा, सिख है। हाँ। और अभी अभी जिसके साथ है वो क्रिश्चियन। चारों धर्म मिल गए उसे, 3 धर्म की तो माँ लग गई उसको। हाँ। भाई 2 साल भी पाला तो माँ ही है ना उसकी, माँ ही तो हुई। हाँ। तो मतलब वो, मैं उसको बोला तू 4 धर्म तो पैदा हुआ तब से लेके आया। ये देखो, आज अपना जो नेचर है, जो बाबा ने बना दिया ना, उसका कारण है ये सब जो सेक्रीफिकेशन हुए ना सारे, ये इतना इजी नहीं है। हाँ, अगर तुमको कोई समाज में जानता नहीं है, तुमको कोई पहचानता नहीं है, तुम कुछ भी कर लो, जहां तुम्हारे को हर कोई जानता है, हर कोई पहचानता है, उसमें ये सब करना। अच्छा, वो इस्लामिक थी मगर वो मेरे मंदिर में आरती करती थी ना, तो वो हिंदू शर्मा जाएगा। इस्लामिक थी मगर जो हमारे मंदिर है ना उसमें जाती थी कभी ना, आरती करती थी ना, तो हिंदू शर्मा आएगा, बोले ऐसा आरती करता है, इतना इतना बढ़िया पूजा करने। उसके उसको हिंदू मुस्लिम कुछ था ही नहीं उसको भी, वो एक ही बात बोले, प्योर सोल, एकदम प्योर सोल, एकदम यानी एकदम प्योर सोल। अच्छा, वो जाने से पहले, वो गुजरने से पहले 2-3 दिन पहले मेरे को पता चल गया जाने वाले, ये मतलब 21 तारीख को जाने वाली है। अच्छा, तारीख पता चल गया मेरे को, तो हॉस्पिटल में था तो मैं गया, तो मैंने बोला, मैंने कहा ऐसा अभी तो टाइम आ गया, ऐसा कर दी मतलब कभी, मैंने कहा 2 दिन के बाद, मतलब बहुत अच्छा, खुश जाने के लिए। हाँ, मतलब खुश एकदम जाने के लिए, क्योंकि उसका जो काम था ना पूरा हो गया था, वो पूरा हो गया, जो गया जन्म का बाकी था शादी होने का वो हो गया, बच्चा बाकी था बच्चा हो गया। ये मतलब ये सब जो है ना, ये सब जो कहानियां है ना, ये आज अपन किसी को बोलने जाएंगे ना तो आदमी को लगेगा क्या है, मगर ये आज भी है दुनिया में। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं प्रवीण जी जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो होती हैं। कुदरत को समझना इतना आसान नहीं है, और परमात्मा के कुछ ऐसे नियम भी हैं जो साइंस के तो बहुत नहीं। साइंस क्या है मतलब, साइंस हमने बनाया वो नियम है। आज आपके घर में कुछ भी नियम बना लो, अच्छा आपके घर में नियम बनाओगे कि भाई बगैर कपड़े का घूमना है, तो वो अपने देश को चलेगा क्या? नहीं चलेगा। उसी तरह आप आपके अंदर नियम बना लोगे कुछ भी, वो खुदा के इसमें नहीं चलता, ऊपर वाले के कायनात में नहीं चलेगा नियम, वो तो तुमने अपने लिए बनाए। देखो जैसे अपने देश का नियम अलग है, दूसरे देश का नियम अलग है, तो वो देश के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए नहीं है। पूरे यूनिवर्स को जो है ना, उसको तो वो लॉ लगता है, वही जो यूनिवर्स का लॉ है। अभी ये जो कहानी है ना, ये एक समझ लो ना कि हमारे 2-4 जन के सिवा, ये आज मैंने ये आपको रिकॉर्ड करवाया, ये ट्विन सोल की वजह से। मगर ये मतलब इसको बोलते हैं ना कि किसी एक के साथ ऐसे होता है, और उसी में तो मैं सब स्टडी किया, तो मेरे को प्लाज्मा का मालूम पड़ा, ये जो इफेक्ट है प्लाज्मा का। और आज मैं बोलता हूँ, बड़ी बात नहीं करता हूँ, अगर जिसका पेशेंट अगर बॉम्बे के कैंसर हॉस्पिटल में है ना, और अगर उधर 6 महीना जिंदा रहने का लगेगा ना, उसको अगर उठा के लाके आप दिल्ली में रखोगे ना, 2 साल लीजिएगा। यहाँ पे उसका स्पीड कम होता है, कैंसर का जो ग्रोथ का स्पीड है ना कम होता है, प्लाज्मा चेंज की वजह से। हाँ, प्लाज्मा चेंज की वजह से, प्लाज्मा और क्लाइमेट। उधर का क्या है, उधर का क्लाइमेट जो है ना सॉल्टी है थोड़ा, उससे जल्दी बढ़ता है। इधर अच्छा, अगर इधर इधर नहीं रहा था ना मैं, तो वो बच्चा पैदा ही नहीं होता था, क्योंकि वहां पे तो फास्ट ग्रो हो रहा था,
तो यहाँ लाने की वजह से तो वो जन्म में आ गया। बस ये इतना ही था अपना कहानी प्रिंस वॉल का, फिर चली गई। अभी वो चली जाने के बाद जब मिलती है तो वो कहानी बोलूंगा तो वो पीरो बोलेगा तुम कौन सी कहानी कहाँ ले गए। उसके बाद भी मिली एक दो बार जाने के बाद भी। अच्छा, उनकी सोल से कनेक्शन हुआ आपका? हुआ। ओके। हुआ उनकी सोल से कनेक्शन, फिर वो मेरे बेटे के साथ रहती थी। अच्छा। हाँ, बेटे के साथ रहती थी, फिर ऐसा सब मतलब था बाद में मैंने उसको जो है ना मैंने उसको मतलब ये किया बाद में फ्री कर दिया। अच्छा, मेरे को खाली मेरे को ही समझता ऐसा नहीं है, बाकी लोगों को समझता था इसके साथ में कोई है करके, बच्चे के साथ सब मतलब कुदरत है। अभी जब तक मैं हूँ तब तक तो वो भी इंतजार करेगा, ऐसा होता है ना। ये बहुत मतलब अलग अलग जर्नी है, ये जो जर्नी है ना ये बहुत अलग है। ये एक मतलब जिसको तुम है ना एक्सपेरिमेंट के दायरे में नहीं ला सकते, कोई एंगल से नहीं ला सकते उसको। ये खाली तुम महसूस कर सकते हो, तुम्हारे साथ जो चार जन है वो महसूस कर सकता है। ये जो चीज है ना जो हमारे एकदम नजदीक के लोग है वो महसूस कर सकते हैं क्योंकि उनके सामने हो रहा है। अभी किसी को बोलेंगे कि बगैर दांत का लड़का गाजर खाता है, कोई मानेगा क्या? कोई भी नहीं मानेगा। मगर वो उस टाइम के जो लोग हैं इनके बाजू वाले, अरे वो बुड्ढी लोग सब आगे बैठ जाने के, इसको बीच में बिठा के, जैसे कृष्ण भगवान बैठे, उसको गाजर साफ करके दे दो ना, अरे पूरा गाजर, इतना ज्यादा गाजर कैसे खाता होगा वो जाने। सुपरनैचुरल पावर, ये मतलब वो कुदरत ही है, कुदरत का करिश्मा है ना। अच्छा, और लड़का तो मेरा जो जन्म को आया ना उसकी माने समझो ना कि 7 महीने में से 4 महीना तो खाली लिक्विड ही लिया, डाइट था ही नहीं उसका, तो सब ये सब निकल गया था, डाइट कहाँ से करेंगे, लिक्विड ही लेता था, दूध, एप्पल जूस और दूसरा जूस, नहीं तो सूप, पाया सूप, ये सूप मतलब चिकन का मटन का जो भी मतलब, वो लिक्विड के ऊपर ही वो मतलब डाइट पे आया। हाँ, और मेरा लड़का ऐसा है ना कि जो एक लड़का ऐसा है ना जिसने एक ड्रॉप भी उसकी माँ का दूध नहीं पिया, क्योंकि दे ही नहीं सकते थे ना, कैंसर का ट्रीटमेंट चालू तो कैसे देंगे नहीं, तो उसको फिर हम गाय का ही दूध देते थे। प्रवीण जी, आपकी जिंदगी और आपके जिंदगी के जो मजेदार किस्से, इसे सुनकर ऐसा लगता है ना परमात्मा के और भी करीब होने का एहसास होता है और हमको ऐसा विश्वास होता है कि चीज़ें होती हैं, अगर दिल सच्चा मन सच्चा हो ना और उससे प्यार हो तो असंभव कुछ भी नहीं, वही करवाता है। वरना आपकी वाइफ का आपसे मिलना, पूर्व जन्म के साथ जो आप लोगों को टूटा था वो इस जन्म में फिर से हुआ और सिर्फ उतने वक्त के लिए, जो पिछला रह गया वो इस जन्म में आके वो पूरा चैप्टर बना, क्लोज हुआ, कितना सब कुछ हो गया। मतलब अगर आप इसको सोचने लोग इसको फिल्मी स्टोरी बोल सकते हैं लेकिन ये एक व्यक्ति के जिंदगी की सच कहानी है। अपना तो एग्जिस्टिंग है ना, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। आज भी वो डॉक्टर जो है वो अभी भी है जिसके 500 ग्राम एक दिन में बढ़ गया, वो आज भी कभी कभी वो मतलब अभी तो मिला नहीं बहुत साल हो गया, तो पहले इसके बर्थडे में घर पे आता था, लड़के के बर्थडे में दोनों डॉक्टर उसके वाइफ दोनों आते थे। मैं तो प्रवीण जी अपने आप को धन्य मानती हूँ जो मुझे आपसे मिलना हो पाया इस चैनल, उनका लिखा है। हाँ, ये उनका लिखा है क्योंकि देखिए इस चैनल पर प्रवीण जी और भी तो गेस्ट आते हैं ना, लेकिन किसी से इतना कनेक्शन नहीं बन पाया जितना कनेक्शन आपके साथ हुआ। मतलब यही ट्विन फ्लेम की तो यही कहानी थी। ओम साई राम, ओम साई राम बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए मेरे को नहीं मालूम, मगर मैं बोल देता हूँ, ये कहानी जो है ना, हाँ, जो जीवन का सच है, कहानी नहीं है ये, जीवन का सच है। ये लोगों का जो एक सोच भी होता है ना, हाँ, कि ऐसा क्यों हुआ, बहुत से लोग जो है ना वो आज भी है ना दिमाग में सोचते है क्या, बोले ये प्रवीण ने ऐसा कैसे किया। और मेरे को वो उसकी वजह से जो है ना महाकाली के साक्षात्कार हुए, तो वो मतलब मेरे को एक चीज समझ में आया ना कि भाई चलो एक ही खाली एक जगह से नहीं, दो जगह से कमांड हुआ। और अभी अभी आपको है ना, अभी एक दिन आपको मैं बम्बई बुलाऊंगा और वो मंदिर की कहानी मंदिर में बैठ के सुनाऊंगा। अभी देखो एक बात बताऊं ना, आज अगर मैं आपके सामने खुला हूं इतनी सब बातें लेकर के, तो इसमें आप मानो नहीं मानो कि कहीं ना कहीं जो है ना वो आपका मेरा लेवल मैच होता होगा, तभी खुलता है आदमी। अभी जितनी बातें आपसे मैंने यहाँ पे बैठ के किया हूँ, इतनी तो मैं किसी के साथ नहीं किया कभी। आपका भी मेरा पिछले जन्म से कुछ रिश्ता होगा, अभी पता नहीं, अभी आप मेरे गुरु रहे होंगे, पिता रहे होंगे, कौन से जन्म का होगा ढूंढना पड़ेगा। तो ठीक है दर्शकों, आज इजाजत दीजिए, फिर जल्द मिलेंगे। ओम साई राम, ओम साई राम।